देखिए आज हम आप लोगों को पेपर टैप के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज देखिए पेपर टैप के बारे में आपको बताएंगे। पेपर से कितने प्रकार के पेपर होते हैं और किस पेपर का कहां पर यूज करते हैं। तो देखिए पेपर टैप में देखिए भारतीय मानक के अनुसार इसको रफर टैप भी कहते हैं। जो भारतीय मानक के अनुसार इसे रफर टैप भी कहते हैं। इस प्रकार के टैप में पॉइंट की एक तरफ अंत के 5 या 6 दांते ग्राइंड करके टेपर कर दिए जाते हैं। जो ये अंत में आता है इसके बाद इसको ग्राइंड करके 5-6 दांते इसको टेपर कर दिए जाते हैं। ये टेपर इतना होता है कि इसके अंत के गोल भाग का व्यास उस छेद के व्यास के बराबर हो जाता है। जो ये अंत वाला यहाँ ये सिरा होता है ये इतना टेपर होता है कि जो गोल छेद होता है उसके व्यास के बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाता है जब ये होल में जाता है तभी जा कर के अंदर चूड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। चूड़ी काटनी होती है। ये टैप जैसे जैसे छेद के अंदर प्रवेश करता है तो एक के बाद एक इसका प्रत्येक दांत चूड़ी की गहराई को बढ़ाता चला जाता है। टैप को पूरी दें या छेद के नीचे तक प्रवेश हो जाने के बाद इसे उल्टा घुमाकर बाहर निकाल दिया जाता है। चूड़ी काटने के बाद जब हमारी चूड़ी पूरी हो जाती है तो टैप को उल्टा साइड में जैसे घड़ी की क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो हमारी चूड़ी कटती है, अनक्लॉक वाइज घुमाते हैं तो क्या होता है हमारा जो टैप होता है वो बाहर निकल आता है। फिर इसके बाद देखिए आपका है माध्यम टैप में देखिए माध्यम टैप के बारे में आप देखिए इसे द्वितीयक टैप भी अथवा इंटरमीडिएट टैप भी कहते हैं। इसे द्वितीयक या इंटरमीडिएट टैप भी कहते हैं। इस टैप के पॉइंट की तरफ आने वाले भाग को 3 या 4 चूड़ी टेपर ग्राइंड की हुई होती है। टैपिंग क्रिया करते समय इस टैप का उपयोग टेपर टैप के बाद ही किया जाता है। यदि छेद आर पार है तो टेपिंग क्रिया करते समय सही साइज और आकार की चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं। तो इसके लिए देखिए नीचे वाला कोण चैम्फरिंग किया होता है, टेपर में होता है, जिस प्रकार से टेपर टाइप होता है उसी प्रकार से ये भी बना होता है। इसमें केवल थोड़ा सा अंतर होता है कि टेपर टाइप में 3-4 चूड़ियाँ नीचे चैम्फर की हुई होती है। इसके अलावा देखिए जो चूड़ियाँ होती हैं मध्यम टाइप से भी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब देखिए आपका आता फिनिशिंग, देखिए ये फिनिशिंग टाइप है आपका। इसमें देखिए फिनिशिंग टाइप के बारे में बता रहे हैं। इसमें देखिए उसमें पेपर में होता था नीचे का कोण फिर चैम्फरिंग किया, इसमें सीधा आपका नीचे तक टैप होता है। तो देखिए इसके लिए कहा है इस प्रकार के टैप को बाटनिंग टैप, इस प्रकार के टैप को बाटनिंग टैप या प्लग टैप भी कहते हैं। इस प्रकार के टैप के पॉइंट वाले भाग की ओर वाली 1 या 1.5 चूड़ी टेपर में ग्राइंड की हुई होती है। इस प्रकार के टैप का इस्तेमाल टेपर टैप और मध्यम टैप चलाने के बाद पूरी गहराई की चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता है। जो फिनिशिंग टैप होता है नाम से ही पता चलता है फिनिश करना। तो जब हम टेपर टैप और माध्यम टैप के चूड़ियाँ टैप से चूड़ियाँ बनाते हैं फिर इसके बाद फिनिशिंग टैप का प्रयोग किया जाता है जो कि चूड़ियाँ फिनिश और अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो जाती हैं। फिर आता है हमारा मशीन टैप। इस प्रकार के टैप का उपयोग जो मशीन टैप होते हैं इस प्रकार के टैपों का उपयोग मशीन की सहायता से किया जाता है।
इस प्रकार के टाइपों को इस प्रकार की डिजाइन में बनाया जाता है कि ये लगातार कार्य करें। जो मशीन टाइप होते हैं इन्हें डिजाइन में बनाया जाता है ताकि लगातार कार्य करते रहें। इस प्रकार के टाइप का उपयोग ड्रिल मशीन अथवा लेथ मशीन पर किया जाता है। इस टाइप को मशीन पर बांधने के लिए टैपिंग अटैचमेंट की आवश्यकता होती है। जब टेपर टाइप को ड्रिल मशीन में या लेथ मशीन में बांधते हैं तो इसमें हमारा जो अलाइनमेंट होता है सेंटर में बांधने के लिए अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है ताकि जो हमारा टाइप हो, जैसे लेथ मशीन में बांधेंगे तो उसमें 4 जाचक होता है, 3 जाचक होता है, तो वहाँ पर बांधने के लिए हमें अलाइनमेंट की आवश्यकता होती है कि हमारा जो टाइप है वो सेंटर में है कि नहीं। फिर इसके बाद देखिए आपका आता है एक्सटेंशन टाइप, नंबर 3 पे आता है। यहाँ पे नंबर 2 था, अब नंबर 3 पे आता है एक्सटेंशन टाइप। एक्सटेंशन टाइप देखिए इसके बारे में आप, इस टाइप को पुली टाइप भी कहते हैं। जो एक्सटेंशन टाइप होता है इस टाइप को पुली टाइप भी कहते हैं। इस प्रकार की टाइप की साइंट साधारण हस्त टाइप की तरीके होती है। जो साइंट होती है वो साधारण हस्त टाइप के तरीके की होती है। साइंग की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। इस प्रकार के टाइप का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक गहराई वाले छेदों में चूड़ियाँ बनानी हो। एक्सटेंशन टाइप का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पर अधिक गहराई पे चूड़ियाँ बनानी हो। जैसे पुली के हब में टैंपिंग के लिए उपयोग, जो हमारी जैसे ये हमारी पुली बनी होती है, ये हमारी पुली है, इस तरीके से हमारी ये पुली बनी होती है, तो ये जो पुली का हब होता है इसमें यहाँ पे चूड़ियाँ बनाने के लिए एक्सटेंशन टाइप का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए इसके बाद आता है चौथे नंबर पे हमारा मास्टर टाइप। ये साधारण हस्त टाइप की तरह ही होता है। जो मास्टर टाइप होता है साधारण हस्त टाइप की तरह ही होता है, परंतु इसमें 6 से 10 फ्लूट बने होते हैं। जो ये होता है टाइप, इसमें 6 से 10 फ्लूट बने होते हैं। इस टाइप में अधिक फ्लूट्स होने से इस टाइप से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो अधिक सफाई वाली और सही एक्विप्ड होती हैं। जो इस टाइप के द्वारा चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वो अधिक सफाई वाली होती हैं। इस टाइप का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक साफ और सही एक्यूरेट चूड़ियाँ बनाने की आवश्यकता होती है। जहाँ पर नाम से ही पता चलता है मास्टर टाइप, इस टाइप का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पर नंबर 1 की चूड़ियाँ या अच्छी फिनिशिंग चूड़ियाँ बनानी होती हैं, वहाँ पर मास्टर टाइप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आता है मशीन स्क्रू टाइप। ये साधारण हस्त टाइप, ये छोटे साइज का हस्त टाइप होता है। जो हमारा मशीन स्क्रू टाइप होता है ये छोटे साइज का हस्त टाइप होता है। जो नंबर में मिलता है ये टाइप 1/4 इंच से छोटी साइज की चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 0 नंबर का टाइप साइज 0.060 इंच और 12 नंबर का साइज 0.126 इंच होता है। जो हमारा मशीन टाइप होता है छोटे साइज का होता है, तो इससे चूड़ियाँ जो पतली और महीन चूड़ियाँ बनाने के लिए इस मशीन स्क्रू टाइप का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा नट टाइप। देखिए नट टाइप, इस टाइप की साइंग नट के माइनर व्यास के
माइनर व्यास के कम साइज की होती है। जब इस टाइप की सहायता से नट में टैंपिंग की जाती है तो नट में चूड़ी काटने के बाद नट इसकी संयुक्त पर चला जाता है। जो हमारा नट होता है छोटा वाला, उसमें चूड़ी अंदरूनी चूड़ी बनाने के लिए इस नट टाइप का प्रयोग किया जाता है। इस टाइप का उपयोग नट थ्रेडिंग मशीन पर किया जाता है। जो हमारा नट टाइप है इसका प्रयोग नट थ्रेडिंग चूड़ी काटने वाली मशीन अर्थात लेथ मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए टाइप ड्रिल साइज, टाइप ड्रिल साइज, जब किसी कार्यखंड या जॉब में टाइपिंग की जाती है तो उसमें टाइप के साइज के अनुसार कुछ छोटे साइज का ड्रिल छिद्र करना पड़ता है। जब हमें इस मोटी लग इसमें लोहे का हमें होल करना है तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें ड्रिल होल कर लेंगे। ड्रिल होल करने के बाद इसमें हम टाइप डालेंगे तभी इसमें सही से चूड़ियाँ कट पाएंगी। यदि होल नहीं होगा, जैसे ही हम टाइप डालेंगे तो थोड़ा इधर उधर वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने पे हमारी चूड़ियाँ एक साइज की नहीं कट पाएंगी। इसलिए चूड़ी काटने के पहले होल बना लेंगे, होल बनाने के बाद चूड़ी काटेंगे तो हमारी जो चूड़ियाँ हैं सही तरीके से बनेंगी। अधिक बड़ा हो गया तो पूरी गहराई की चूड़ी नहीं बनेगी। यदि ड्रिल छिद्र टाइप के साइज के अनुसार छोटा बना है तो टाइपिंग करते समय टाइप को टूटने का खतरा बना रहता है, इसलिए टाइप के साइज के अनुसार ड्रिल छिद्र करना अति आवश्यक है। यदि हम ड्रिल नहीं करते हैं तो जैसे हम टाइप डालते हैं तो जब उसमें चूड़ी काटते हैं तो चूड़ी काटने पर क्या होता है, जो बुरादा निकलता है वो यदि सही से नहीं निकल पाता है तो हमारे टाइप के टूटने का डर रहता है। इसलिए हम जितना हमारा टाइप होगा उतने ही ड्रिल साइज कर लेंगे जिससे कि हमारा टाइप टूटे ना। फिर इसके बाद देखिए आता है आपका टाइप रिंच। रिंच किस प्रकार की, टाइप रिंच का कहां पर प्रयोग करते हैं और किस तरीके, टाइप रिंच देखिए टैप रिंच एक ऐसा औजार है जो हस्त टाइपिंग करते समय टैप को पकड़ने के लिए किया जाता है। जो हमारा टैप रिंच होता है हाथ के द्वारा, देखिए इस तरीके से हमारा टैप रिंच बना होता है। यहाँ पे टैप को टाइट करके हाथ के द्वारा दोनों हैंडलों को पकड़ करके ऐसे घुमाते हैं और चूड़ी बनाने का काम करते हैं। जो हमारे हस्त टाइप रिंच होते हैं तो वो इसी तरीके के होते हैं और इनमें टाइप यहाँ पे जो यहाँ निशान बना होता है, घू कटा होता है, यहाँ पे टाइप को लगा करके टाइट करने के बाद चूड़ी काटने का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए टाइप रिंच के प्रकार, टाइप रिंच हमारे होते कितने प्रकार के, हमारे टाइप रिंच निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक ठोस टाइप रिंच, ठोस टाइप रिंच। नंबर दो पे हमारा आता है समायोजन टाइप रिंच। समायोजन टाइप रिंच। अब हमारा आता है नंबर तीन पे टी हत्था टाइप रिंच। टी हत्था टाइप रेंज। तो देखिए
अब हम ठोस टाइप रिंच के बारे में आपको बता रहे हैं। ये तीनों रिंचें लिख लीजिए। अब इसके बाद हम आपको ठोस टाइप रिंच के बारे में देखिए। अब आज हम यहीं पे आप लोगों को समाप्त कर रहे हैं। अगले दिन हम आपको बताएंगे ठोस टाइप रिंच और आपको चित्र भी बना करके समझाएंगे। चलिए यहीं तक आज से यहीं से समाप्त कर रहे हैं।